एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नितेश। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आईबीपीएस क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आया था उसका जो है कि फॉर्म का लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। अभी अभी एक आईबीपीएस के थ्रू एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों को अपडेट कर दूँ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या कुछ लिखा हुआ है। उसमें 5-6 पॉइंट्स और दिए गए हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है आईबीपीएस के थ्रू, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आईबीपीएस इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, सीआरपी क्लर्क 13 फॉर वैकेंसीज ऑफ 2024-25 इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस, इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू एक्सप्लेन द पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्लीकेंट्स, डिटेल ऑफ रिवाइज डेट एज आर अंडर। रिवाइज डेट जारी कर दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं जो लिंक ओपन था आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करने का, पहले जो का जो डेट था वो था 1/7/2023 से लेकर 21/7/2023, यानी कि आज लास्ट डेट था आप सभी लोगों का इस फॉर्म को अप्लाई करने का। बट इसको बढ़ा दिया गया है, और कितना दिन तक बढ़ाया है मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, 7 दिन तक इंक्रीज़ कर दिया है। पहले जो है कि 21 तारीख तक था, अब इसे 28 तारीख तक कर दिया है। 7 दिन का मौका और मिला है आप सभी लोगों के पास। अगर आप सभी लोगों ने इस फॉर्म को नहीं फिल किया है या फिर लेट हो गए, भूल गए, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे और दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, ऑल अदर टर्म एंड कंडीशन एज मैंसन इन डिटेल नोटिफिकेशन डेटेड 1/7/2023 रिमेन अनचेंज। कोरिकुलम इन एनी ऑन दिस एडमिशन विल बी इश्यूड ओनली ऑन द ऑथराइज आईबीपीएस वेबसाइट। देख सकते हैं यहाँ पर आईबीपीएस.इन मुंबई 21/7/2023 डायरेक्टरेट। ठीक है, यानी कि जो ये नोटिस जारी हुआ है, जो 1 तारीख को जो नोटिस जारी किया था वो भी ऑफिशियल नोटिस था, उसे भी आईबीपीएस के वेबसाइट के थ्रू ही जारी किया था। और ये जो नोटिस है इसे भी आईबीपीएस के वेबसाइट से ही जारी किया गया है, और ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो आप लोग को 7 दिन का मौका और मिल गया है, तो आप लोग अपने फॉर्म को अप्लाई कर लें, जिन जिन लोगों का फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।